क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। जो डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अकेले नहीं रहने दिया जा सकता। नहीं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है जोड़ी? मेरी वजह से अपनी घर छोड़ के गई है, सब लोग परेशान हैं, तुम भी। तुम भी अभी के जाने से कितना परेशान है, मान क्यों नहीं लेते, ये सच कह क्यों नहीं देते कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। जूही तुम करना क्या चाहती हो बोलो। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरी औरत बन के आई और मेरी वजह से घर में कोई खुश नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरी औरत बन के आई, मेरे आने से तुम्हारे घर में कोई खुश नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है नहीं, ऐसा है। मेरी बच्ची की वजह से सब परेशान है, तुम भी। जूही वो मेरी भी बच्ची है, राइट? और बच्चे के घर पे आने से किसी को भी नाखुशी नहीं होगी। तुम्हारी मौत नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घर वापस लौटू। जो ही मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अवनी बहुत जिद्दी है, अगर कोई काम करने के लिए ठान लेती है तो वो पूरा करके ही दम लेती है। और ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम भी इम्पोर्टेंट हो। मेरे लिए ही नहीं, मेरी फैमिली के लिए। मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी। मैं तुम्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर माँ कुछ देखो, अगर मॉम कुछ कह देती हैं गुस्से में तो प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना, एडजस्ट कर लेना अपनी बच्ची की खातिर प्लीज। जूही मैं डिस्चार्ज पेपर्स लेके आता हूँ। जूही ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और मेरी फैमिली के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जूही मैं तुम्हें किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी मॉम गुस्से में कुछ कहती है, कुछ कड़वा बोल देती है तो सुन लो, अपनी बच्ची की खातिर। जूही डॉक्टर से बात करके सारी तुम्हारे साथ में बोलते हैं।